हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ फ़ोन है तो IQ फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वन टाइम मोबाइल डाटा यूसेज लिमिट है तो वन टाइम मोबाइल डाटा यूसेज लिमिट को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने IQ फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि वन टाइम डाटा लिमिट यूसेज को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने IQ फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वन टाइम डाटा यूसेज लिमिट है तो वन टाइम डाटा यूसेज लिमिट को आप कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपली फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। तो यहाँ से हम सर्च करके डायरेक्टली सेटिंग्स पे जा सकते हैं और डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर जो आपके यूसेज लिमिट होते हैं वन टाइम डाटा यूसेज लिमिट उसको आप सेट कर पाएंगे। देख सकते हैं कि वन टाइम डाटा यूसेज लिमिट आपके फ़ोन में आ जाएगी, जहाँ से आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं या फिर 500 200 MB भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कस्टम टाइम के जरिए आप टाइप करके भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्चिंग सेटिंग पर जाकर डाटा यूसेज लिमिट को सेट कर सकते हैं। और साथ में देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आता है नेटवर्क इंटरनेट, नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे जाकर भी डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कर पाएंगे। देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आता है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का, जहाँ से आप हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप वन टाइम डाटा यूसेज लिमिट को सेट कर सकते हैं और डाटा यूसेज लिमिट को सेट करके भी आप इसका यूज़ कर पाएंगे अपने IQ फ़ोन में। तो इस तरीके से डाटा यूसेज लिमिट को सेट कर सकते हैं IQ फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।